हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर आनंद इन डॉक्टर आनंद सजेशन। आज का जो मेरा टॉपिक है बहुत कॉमन टॉपिक है। जैसे दोस्तों अब सर्दियां शुरू हुई हैं, सर्दियों में बहुत जल्दी खांसी जुकाम होना, बहुत ज्यादा सर में दर्द होना, ठंडी हवा से सर में दर्द हो जाना, बच्चों में बहुत ज्यादा खांसी जुकाम की दिक्कत होना, ये आप फेस करते हैं। इसमें दोस्तों हमारी एक होम्योपैथिक मेडिसिन आती है जो बहुत ही स्पेसिफिक मेडिसिन है, एक्यूट मेडिसिन है, बहुत अच्छा काम करती है। अगर आपको ठंडी हवा से हेडेक हो रहा है या ठंडी हवा से आपको खांसी शुरू हो गई है या ठंडी हवा में जाने से आपको साइनोसाइटिस हो रहा है, आपको जुकाम हो रहा है, तो वो मेडिसिन हर चीज में काम करेगी। और वो मेडिसिन ऐसी है दोस्तों कि अगर आप उसकी अभी एक डोज लेंगे, सिर्फ एक ड्रॉप थोड़े से पानी में डाल के लेंगे, तो आप 3-4 घंटे में ही बेटर फील करेंगे, 2 दिन में आप बेटर फील करेंगे। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहती हूँ, ऐसा नहीं है कि होम्योपैथी स्लो एक्ट करती है। ये लोगों में बहुत बड़ी गलत फहमी है कि होम्योपैथी लंबा टाइम देती है। जब भी कोई डिजीज क्योर होती है वो उस डिजीज पर डिपेंड करता है, ना कि पैथी पर। खांसी जुकाम है अगर किसी को हुआ है तो एलोपैथिक भी 4 या 5 दिन लेगी, होम्योपैथिक भी 4 या 5 दिन लेगी। ऐसा नहीं है कि होम्योपैथी 10 दिन लेगी या 15 दिन लेगी या बहुत ज्यादा टाइम लेगी, ऐसा नहीं है दोस्तों। वो मैं अगर डिजीज ठीक होनी है 4 दिन में तो वो 4 दिन में किसी भी पैथी से ठीक होगी। होम्योपैथी लंबा टाइम नहीं लेती। और जो हमारी ये एक्यूट मेडिसिन है जो मैं आपको अभी बताने वाली हूँ, ये आपको सर्दियों में बहुत आराम देगी। आप इसको परचेज करके घर पे रखिएगा। SBL कंपनी या WSI कंपनी की 30 ml की बॉटल आप अपने घर में परचेज करके रखिए, जो कि पूरी सर्दी फॉर 6 मंथ्स आपको काम आएगी। आपको कोई भी दिक्कत होती है ठंडी हवा से, या आप ठंडे में गए हैं, या आपने अपने आप को कवर नहीं कर रखा है, उसके बाद आपको प्रॉब्लम शुरू हो गई है, ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है दोस्तों। आप इसको लेके देखिएगा, आपको 3 घंटे में बेटर फील होगा, जो आप किसी और मेडिसिन से बेटर फील नहीं कर पाएंगे ना, इस मेडिसिन से आप बहुत अच्छा फील कर पाएंगे। अब मैं आपको बताती हूँ उस मेडिसिन का नाम। ये जो हमारी मेडिसिन है ये है एकोनाइट 30। एकोनाइट 30 दोस्तों, ये अपने पास खरीद के रखिए। इसकी 30 ml की बॉटल खरीद के रखिए। जब भी दिक्कत हो आप इसकी एक ड्रॉप थोड़े से पानी में डाल के पीजिए, आप बेटर फील करेंगे। ठंड में जब भी आपको हवा लगती है, जैसे आप स्कूटर पे जा रहे हैं या बाइक पे जा रहे हैं, आपको ठंडी हवा फेस पे लग गई, आपकी बॉडी पे लग गई, और आपको एकदम से खांसी छुट जाती है, आपको लगता है कि कल मैं ठंडी हवा में गया था, रात से अब मुझे खांसी शुरू हो गई है और अब ये खांसी मेरी ठीक ही नहीं हो रही है, आप एकोनाइट 30 की एक डोज लेकर देखेंगे, 2 घंटे में आप 50% बेटर फील करेंगे। होम्योपैथिक में कुछ मेडिसिन ऐसी हैं दोस्तों जो जादू की तरह एक्ट करती है, जिसको हम मिरेकल कहते हैं। एकोनाइट उनमें से एक है जो विंटर्स में आपको बहुत हेल्प करेगी, आपके बच्चों के लिए बहुत अच्छी है, आपके लिए बहुत अच्छी है। एकोनाइट 30 आप परचेज करके अपने घर में रखें। WSI कंपनी की ले लें, SBL कंपनी की ले लें, रैक वैक ले लें, इन तीनों में से कोई भी कंपनी जो आप अवेलेबल हो आप ले लीजिए। और कभी भी दिक्कत हो थोड़े से पानी में डाल के एक बूंद लीजिए। इसको आप सुबह दोपहर शाम ले सकते हैं, सुबह शाम ले सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा ही खांसी है तो 3 बार ले लीजिए, अगर इतनी नहीं है तो 2 बार ले लीजिए, और बेटर होते ही इसको स्टॉप करिए। होम्योपैथिक में दोस्तों कभी भी एक्स्ट्रा मेडिसिन नहीं खानी चाहिए। हमारी एक डोज दो डोज भी पूरा असर दिखाती है, फिर आप 1-2 दिन वेट कर सकते हैं, आप अपने आप ही ठीक होते चले जाएंगे। लेकिन अगर आपको कफिंग का प्रॉब्लम है तो आप 4-5 दिन इसको आराम से खा सकते हैं। अब इसके एक दो सिम्टम और है जो मैं आपको बता देती हूँ जो हेल्प करेंगे। एकोनाइट तो आप परचेज करके रखिएगा, एक मेडिसिन मैं आपको और बताती हूँ सिम्टम बेस पे। अगर आप बाहर निकले हैं और आपको ठंडी हवा लग गई है फेस पे बॉडी पे, और उसके बाद आपको जुकाम हुआ है, खांसी नहीं दोस्तों, जुकाम, छींक आना, नाक से पानी बहना, आंख से पानी बहना, उस केस में नेट्रम कार्ब और डलका मारा बहुत रिलीफ देंगे आपको। आप ये दो मेडिसिन भी अपने घर पे रख लीजिएगा। और अगर ठंडी हवा में जाने के बाद आपको खांसी शुरू हो गई है या आपको हेडेक हो गया है, बहुत लोग ये कंप्लेन करते हैं कि जैसे हम ठंडी हवा में गए हमें हेडेक शुरू हो गया, साइनोसाइटिस का पेन शुरू हो गया, प्लीज दोस्तों एकोनाइट 30 लेके देखिएगा, आप बहुत बेटर फील करेंगे। एकोनाइट 30।
ये लेके देखिएगा। आशा करती हूँ मेरी वीडियो से संतुष्ट होंगे। आपको फिर भी कोई कंप्लेंट होती है विंटर्स में जिसकी वजह से आपको बहुत दिक्कत हो रही है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं मेडिसिन का नाम आपको जरूर बताऊंगी। धन्यवाद।